Hello everyone, this is Suresh Sharma and you guys are watching Bunk Lessons, our show where we talk about all prospects of student life and आज हम बात करने वाले हैं वो benefits जो आपको मिल सकते हैं BBA pursue करके. So, let's begin. ओके, इस पूरे वीडियो को मैं 6 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं ऐसे ही वीडियोस MBA, BCA इन सब के लिए भी लेके आ जाऊंगा. ठीक है, शुरू करते हैं. फर्स्ट, BBA इज अ वर्सेटाइल कोर्स. ये एक ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं. आप किसी भी सेक्टर के अंदर BBA को परस्यू कर सकते हैं. BBA इन HR, BBA इन सेल्स, BBA इन मार्केटिंग, BBA इन फाइनेंस, BBA इन जनरल, जिसके बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल जाती है, वेदर वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो. प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आ जाती है IT कंपनीज, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, एड एजेंसीज, एंटरटेनमेंट एजेंसीज, रिटेल इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट्स या फिर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी आप जाकर पढ़ा भी सकते हैं. तो ऑप्शंस हर जगह पर है आपके लिए. ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक सिमिलर ऑप्शंस वहां पर भी आपको मिल जाते हैं, मगर उसके अंदर वो जॉब पाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जिसकी UPSC, SSC, PSC, पोस्टल सर्विसेज, ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको वो जॉब्स मिल जाती हैं. पॉइंट नंबर सेकंड, प्रोफेशनल स्किल्स. BBA एक ऐसा ही कोर्स नहीं है जहां पर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा देंगे, आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, आपको एक ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी खड़ा करते हैं जिधर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं प्रैक्टिकली खुद ही. तो इस वजह से आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रैटेजिक स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिजनेस स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिखाते हैं कि एक बिजनेस को रन कैसे करना है, एक बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, और वेल एस्टैब्लिश कंपनीज का एग्जांपल लेकर आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ा सकते हैं. तो इससे आप एक टीम लीडर ही नहीं बन रहे दोस्त, बल्कि आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो पूरी की पूरी कंपनी खुद भी चला सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक बिजनेस मैनेजर बन सकता है. पॉइंट नंबर 3, बेटर नेटवर्किंग. जब आप BBA को परस्यू कर रहे होंगे तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपकी तरह ही बिजनेस या फिर फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे. ये आपके साथ में ही प्रोफेशनल स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये चले जाएंगे, मगर क्योंकि आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, आपका नेटवर्क अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. ये आपके लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल सकते हैं और चाहे तो आप इन लोगों के साथ एक स्टार्टअप भी रन कर सकते हो. पॉइंट नंबर 4, इजी MBA. क्योंकि यार BBA कंसिस्ट करता है कम से कम 30-40% ऑफ MBA सिलेबस, इसलिए BBA स्टूडेंट्स के पास एक प्लस पॉइंट रहता है. और वैसे MBA तो हर कोई करना चाहता है, हर सेक्टर से लोग MBA करने आते हैं, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, मगर जब आप एक BBA स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता है सिलेबस में क्या आने वाला है, जिसकी वजह से आपके लिए MBA करना थोड़ा आसान हो जाता है. पॉइंट नंबर 5, प्लेसमेंट्स एंड सैलरी हाइक्स. क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है जो कि आपको एक प्रैक्टिकल ज्ञान भी देती है, इसी वजह से कंपनीज के अंदर आपका एंटर होना काफी ज्यादा आसान हो जाता है. आप ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी से एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके आए हो, आप ट्रेंड हो, इस वजह से आपके लिए प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा आसान हो जाती है. और अगर आप जॉब बदलना चाहते हो तो ऑलरेडी आपके मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बेटर सैलरी मिलना आसान हो जाता है. पॉइंट नंबर 6, अब्रॉड ऑप्शंस. नॉट ओनली MBA मगर BBA के बाद भी आपके पास चांसेस होते हैं कि आप देश के बाहर जाकर काम कर सके. इसके लिए हर एक फॉरेन कंपनी का अप्रोच तो अलग होता है, मगर कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं जिन्हें वो ध्यान में रखते हैं. पहला पॉइंट है कि क्या आपने एक अच्छे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से BBA को परस्यू किया है. सेकंड पॉइंट है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके फिजिकल अपीयरेंस और आपके बोलने से ही पता लगता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो. कंपनीज देखती है कि कैसे आप चीजों को जल्दी से पकड़ पाते हो, उन्हें समझ पाते हो और कैसे उन्हें जल्दी से सॉल्व कर पाते हो. और अगर आप इन चीजों को लेकर पैशनेट हो तो दोस्त आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. और इसी नोट पर खत्म करते यार इस वीडियो को. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक करना ना भूले, इसको शेयर करें अपने बाकी BBA एस्पिरेंट्स के साथ और कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. कुछ ऐसा बेनिफिट है जो आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं. ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं यहां पे हमारी बंक लेसन की प्लेलिस्ट, आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, इस पे क्लिक कीजिए और बन जाइए और ज्यादा स्मार्ट. और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले सनस्टोन को, जहां पर बंक लेसन आता है हर हफ्ते. एंड हां, अगर एक नया वीडियो आता है तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा, बाय क्लिकिंग द बेल आइकन. तो हां, उसको दबा के जाना मत भूलना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.